What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family. दोस्तों मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे हो. तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के. काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो अलग अलग न्यूज पेपर के आर्टिकल कंबाइंड पैकेज को हम लोग बोलते हैं नैनो मैगजीन. तो देखते हैं आज की नैनो मैगजीन में हम लोग को क्या डिस्कस करना है. सबसे पहले यहाँ पर नजर डालेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के ऊपर. ये जो डे है यहाँ पर इसमें बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड. देखिए जो गर्ल चाइल्ड है हमारी सोसाइटी में उसके बारे में अगर आप लोग देखते हैं तो कई तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स या फिर फोर्स चाइल्ड लेबर, ये सारी कैटेगरी यहां पर कहीं ना कहीं लड़कियों पर फोर्स की जाती है हमारी सोसाइटी में. इसी के चलते ये इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है यहां पर इसको रोकने की बात करता है जो कि यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है. ये किस दिन? 1 अक्टूबर को. तो फर्स्ट टाइम यहां पर जो सेलिब्रेट किया गया था 2012 में सेलिब्रेट किया गया था और अब की बार की जो थीम है यहां पर ये है गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल. अनस्क्रिप्टेड का मतलब क्या है? यानी कि कोई स्क्रिप्टेड राइटिंग नहीं है, ये एक तरीके से बिना स्क्रिप्ट के चलने वाली चीज है. तो ऐसी फोर्स यहां पर गर्ल फोर्स जो कि अनस्क्रिप्टेड है और अनस्टॉपेबल है, कोई इनको रोक भी नहीं पाएगा. तो इस तरीके से थीम रखी गई है ताकि इंपावर किया जा सके वुमेन को. अगर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ लिखने को आता है तो ये इस बार की जो थीम है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. आप लोग मेंशन कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में और इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड पर फोकस देने की बात भी आप लोग वहां पर राइट कर सकते हैं. ओके, आगे बढ़ता हूं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये जो है यहाँ पर एक बात कराया वर्ल्ड ओबेसिटी डे के बारे में. ओबेसिटी का मतलब है मोटापा. मोटापा आज की डेट में बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है तो उसको कैसे टैकल किया जाए इसके ऊपर फोकस यहाँ पर किया जा रहा है. अगर मोटापे को देखिए आप लोग तो छोटे छोटे बच्चे भी, खासकर जिनकी एज भी काफी कम होती है, वो भी आज के डेट में इस प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं. बहुत बड़ा रीजन क्या है? खान पान और दूसरा इंडोर एक्टिविटी. पहले बच्चे क्या हुआ करते थे? ग्राउंड में खेला करते थे, घर से बाहर खेला करते थे हमेशा, पर आज की डेट में कहीं ग्राउंड रहे नहीं है इसीलिए, और मैक्सिमम जिस तरीके का रहना सहना हो गया वो छोटे छोटे घर हो गए, तो इसीलिए लोग जो है अपने घरों में ही रहते हैं और बच्चों को भी वीडियो गेम, टीवी या फिर लैपटॉप वगैरह पकड़ा दिए जाते हैं. उसके चलते वो बाहर अपनी जिस तरीके से उनका बचपन हुआ करता था, एंजॉय किया करते थे, वो नहीं कर पाते हैं तो ओबेसिटी का शिकार बन जाते हैं. और ये ओबेसिटी और भी कई फॉर्म में यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है जैसे जैसे आगे बढ़ती है, यानी कि एक तरीके से अभी से ही बीमारी की चपेट में आना स्टार्ट हो जाते हैं. तो इसी के चलते वर्ल्ड ओबेसिटी डे 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि फिजिकल जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है खासकर बच्चों के लिए वो निकाला जा सके कैसे उनकी ओबेसिटी को कम करना है. देखिए सीधा फंडा है, अगर आप लोग एक्टिविटी कम करेंगे और डाइट आप लोग ज्यादा हैवी लेंगे, जितना आप लोग पचा नहीं पाते हैं तो सीधा सीधा आपकी बॉडी में फैट बनकर वो रह जाएगा. जितना अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, उतना ही आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा. और जंक फूड से जितना ज्यादा दूर रहेंगे वो तो इतना फायदेमंद है कि आप लोग उसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा अच्छा. इसलिए जंक फूड से अपनी डिस्टेंस बनाकर रखिए. वर्ल्ड ओबेसिटी जो फेडरेशन है यो एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है, इसके द्वारा यहां पर इसको स्टार्ट किया गया कि इस तरीके का कोई डे होना चाहिए. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर कोलैबोरेट करते हैं यहां पर, और इसी के साथ में यहां पर लेसेंट कमीशन ऑन ओबेसिटी ये भी यहां पर इसके फील्ड में काम करता है. ओबेसिटी जो है यहां पर एक तरीके से किस तरीके से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसी के चलते जो एम है यहां पर ये है ओबेसिटी को लेकर लीड एंड ड्राइव ग्लोबल एफर्ट टू रिड्यूस प्रिवेंट एंड ट्रीट ओबेसिटी. तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की से देखी जा रही है आज के में सोसाइटी में. फर्स्ट वर्ल्ड ओबेसिटी जो डे है यहां पर ये 2015 में सेलिब्रेट किया गया और सेकंड 2016 में, जो कि फोकस रखा गया कि चाइल्डहुड ओबेसिटी, यानी कि जो बच्चे होते हैं कैसे हम लोग को उनको कंट्रोल करना है ताकि वो विकसित रहे, ओबेसिटी का बीमारी न उनको लगे. ठीक है, तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो है यहां पर एक तरीके से चाइल्ड के ऊपर फोकस देने की काफी बात की जाती है. ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं और खासकर आपके भी आसपास में कोई बच्चा है तो उसके ऊपर भी आप लोग जरूर फोकस दीजिएगा. तो ये है वर्ल्ड ओबेसिटी डे, सेकंड डे जो हम लोग ने डिस्कस किया. आगे बढ़ता हूं, अब बात करते हैं आज के क्विज के बारे में जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है. अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं. एक एक क्वेश्चन कर देख लेते हैं. सबसे पहले बात की जा रही है एक अवार्ड के बारे में, ये अभी यहां पर दिया गया हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी रमेश पांडे. तो अवार्ड क्या है यहां पर? यह है एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड. तो ये किसके द्वारा यहां पर सेलेक्ट किया जाता है, इस बॉडी का नाम आप लोगों को बताना है. हमारी कंट्री के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए. इनके द्वारा बोला गया जो भारत स्टेज 6 एमिशन स्टैंडर्ड 2020 से इंप्लीमेंट होने वाला था, ये 2022 से इंप्लीमेंट होगा. तो किसके द्वारा यहां पर यह अनाउंस किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ताकि वो पर्टिकुलर एरिया में जो फॉरेस्ट एरिया को कट कर रहे थे उसको रोका जाए जल्दी से जल्दी. डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है जिसके द्वारा यहां पर फोकस किया जा रहा है? अभी रिसेंटली ये यहां पर इंडियन टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई. कौन से नंबर की एनिवर्सरी यहां पर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं? कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था ई दंत सेवा? ये एक तरीका पोर्टल था यहाँ पर जो कि ओरल हेल्थ के बारे में बात करता है, यानी कि एक तरीके से
हमारे जो दांत हैं उनके बारे में बात की जा रही है, कैसे हम लोग उनको सेफ रख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कोशिश ये करनी है, हमेशा सोने से पहले एक बार मंजन जरूर किया कीजिए। इंडिया और कौन सी कंट्री के द्वारा मिलकर ये यहाँ पर रिसेंटली एमओयू साइन किया गया दिल्ली में, जिसके बारे में बात की जा रही है, कोस्टल सर्विलेंस एरिया के बारे में, यानी कि कोस्टल को सर्विलेंस कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस दे रहे हैं। कॉमन सेंस अगर यूज करेंगे तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कोस्टल सर्विलेंस इंडिया के साथ में अगर मिलकर बात की जा रही है तो इंडिया के आसपास वाली ही कोई सी कंट्री होगी। तो ऐसे कॉमन सेंस यूज कर आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कई सारे ऑप्शन। सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में अगर बात करें, कब पिक्चर में आया था, जो कि पब्लिक गैदरिंग को प्रोहिबिट करता है, कहीं पर प्रोटेस्ट होता है, किसी तरीके की उल्टी सीधी हरकतें पाई जाती हैं ताकि उसको रोका जा सके, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 144 अगर लग जाता है तो आप लोग गैदरिंग वहां पर नहीं कर सकते, चार से ज्यादा आदमियों को एक जगह इकट्ठा होने से मना कर दिया जाता है। तो यह था टोटल क्विज, आंसर देख लेते हैं, आप लोग अपना स्कोर जरूर लिखेगा। तो एक एक कर यहां पर नजर डालते हैं। बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के बारे में, जिनके द्वारा हमारी कंट्री के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है रमेश पांडे जी को यहां पर सिलेक्ट किया गया है एशिया एनवायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड है और हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी को दिया जा रहा है ये एशिया का अवार्ड। यूनाइटेड जो हमारी जो यहाँ पर फिलहाल रिसेंटली अभी हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री है यूनियन एनवायरमेंट एंड जो यहाँ पर यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में, उसके द्वारा बोला गया कि भारत स्टेज जो एमिशन फिफ्थ को हम लोगों ने क्या किया, फिफ्थ को रिप्लेस कर दिया है, पहले फोर्थ था, सीधे सिक्स पर हम जो जंप कर गए हैं, तो 2022 में इसको इंप्लीमेंट किया जाना है, जो कि 2020 में हम लोगों ने बोला था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, जो आरे कॉलोनी है जहां पर ये पेड़ काटकर मेट्रो रेल बनाने की बात की जा रही थी, उसको जल्दी से जल्दी रोका जाए। डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जा रही है, ये 55th एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की गई, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन और इसके साथ में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया यहां पर ई दंत सेवा। तो ई दंत सेवा ओरल हेल्थ के बारे में यहां पर बात करते हैं, यानी कि मुंह की अच्छी हेल्थ कैसे रहे उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश मिलकर यहां पर बात करें कोस्टल सर्विलेंस के बारे में, तो ये आप लोग आइडिया रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हमारा पड़ोसी देश है, सबसे ज्यादा बाउंड्री टच करता है हमारी कंट्री की बांग्लादेश, और सबसे कम बाउंड्री टच करता है वो है अफगानिस्तान, जो कि पाक ऑक्युपाइड एरिया में टच करता है। सेक्शन 144 के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये 1973 से पिक्चर में आया था, जो यहां पर ह्यूमन गैदरिंग को इकट्ठा एक जगह होने से रोकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है यहाँ पर, यह है नैनो न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बात है, तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज आप लोगों के सामने आने वाली है, जिनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो एक एक कर नजर डालते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। हमारी कंट्री के 32 ईयर ओल्ड केरला के रहने वाले विष्णु नंदन, इनको सेलेक्ट किया गया है 300 साइंटिस्ट की लिस्ट में। ये 300 साइंटिस्ट क्या करने वाले हैं, ये यहां पर जो आर्टिक रीजन है खासकर उसके ऊपर नजर डालने वाले हैं। एक बार आप लोग मैप में देख लीजिए, यहां पर ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आप लोग यहां पर आर्टिक ओशन देख सकते हैं बीचों बीच में। यहां तो आर्टिक ओशन के ऊपर स्टडी की जाएगी, किस तरीके से क्लाइमेट का इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, तो यहां पर ये बेसिकली ये स्टडी की जानी है। आर्टिक आप लोगों को बीचों बीच में नजर आ रहा होगा यहां पर। तो ये जो इसको प्रोजेक्ट को बोला गया, इसको MOSIAC, तो मोजाइक प्रोजेक्ट के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, आप लोग इसका स्टेटमेंट एक याद रख सकते हैं। अलग अलग फुल फॉर्म कई बार दे दी जाती है क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बात की जा रही है यहां पर मल्टीडिसिप्लिनरी ड्राफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर स्टडी ऑफ आर्टिक क्लाइमेट। तो ये बेसिकली यहां पर इसकी जो आप लोग याद रखिएगा, ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है जो कि आर्टिक रीजन में जाकर यहां पर ये स्टडी करने वाला है। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट है, हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी यहां पर इंक्लूड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज बात की जा रही है यहां पर, ये फिफ्थ फॉरन ऑफिस कंसल्टेशन जो किस किसके बीच में, इंडिया और मेक्सिको के बीच में देखने को मिला। तो कंसल्टेशन जो है यहां पर ये की जा रही है बेसिकली कैसे हम लोग बायलेटरल जो ट्रेड है उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग पॉलिटिकल ट्रेड और इकोनॉमिक में कोऑपरेट कर सकते हैं, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये हमारी कंट्री में देखने को मिला, तो हमारी कंट्री की साइड से जो है यहां पर विजय ठाकुर सिंह के द्वारा यहां पर लीड किया गया। ठीक है, तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है। दो इंटरेस्टिंग वर्ड यहां पर यूज किए गए हैं, एक को बोला गया बाम्बू सिक्यूलमस टेरापेंसिस और दूसरा बी यह है माकामेंसिस। तो ये है क्या, बेसिकली ये बांस की प्रजातियां हैं जो कि यहां पर अभी स्टडी की गई है। बोला जा रहा है कि यहां पर ओलिगोसेंस, तो यहां पर लगभग 25 मिलियन ईयर एगो यहां पर ये पाई जाती थी, जो कि अभी रिसेंटली इनकी स्टडी की गई है। कहां पर, हमारी कंट्री में माकुम कोलफील्ड जो आसाम के अंदर है, तो यहां पर इनके जो रिमेंस है वो यहां पर अभी देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्पीसीज यहां पर अभी पाई जा रही है, यानी कि ये जो इस तरीके का जो स्टेम है जो बैम्बू का हुआ करता था, आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके की प्रजाति हमारी कंट्री में आसाम में देखने को मिली। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल यहां पर इसके नजर आए, तो ये कोलफील्ड जो है यहां पर माकुम, आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये माकुम कोलफील्ड कहां पर है, तो यहां पर तेरिपा माइन ऑफ माकुम कोलफील्ड आसाम के अंदर है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों से डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि ये क्या है पर्टिकुलर, बैकग्राउंड में जाके भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
जो नेक्स्ट न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जिसको आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1987 में, जो कि अवार्ड फॉर द यंग साइंटिस्ट जो यहां पर हमारी कंट्री में खासकर जो यंग माइंड है उनके फील्ड में हम लोग एक तरीके से प्रमोट करने के लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला फील्ड है वो, तो यहां पर अभी शशिधर BS के द्वारा रिसीव किया गया यहां पर यंग साइंटिस्ट अवार्ड ये केमिकल साइंस के अंदर में, तो यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो छोटी सी न्यूज है पर लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो हमारी कंट्री की जो रैंक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 68 बताई गई है, किसमें, ये ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स के बारे में। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तैयार किया जाता है, जनेवा बेस ये एक एजेंसी है जिसके द्वारा हमारी कंट्री की रैंक 68 बताई गई है, जो कि पहले 58 थी, यानी कि 10 रैंक हम लोग स्लिप हो चुके हैं यहां पर। ये जो रैंक हमारी देखने को मिल रही है, अगर टॉप आप लोगों से पूछे तो सिंगापुर यहां पर टॉप पर है, जो कि यूएसए को रिप्लेस करके टॉप पर आ गया, सबसे पहले यूएसए था यहां पर टॉप पर, अब सिंगापुर यहां पर टॉप पर आ गया है। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया अभी, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है ये जनेवा बेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन किया गया था 1971 में। तो किस तरीके से जो यहां पर इंप्रूव की जा सकती है सिचुएशन ऑल ओवर वर्ल्ड इकोनॉमी की, उसके बारे में बात करती है, खासकर कॉम्पिटिशन के फील्ड की जो रिपोर्ट है ये तैयार की जाती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो एक तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। पहले इसको यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। बात की जा रही है यहाँ पर एक चैंपियनशिप के बारे में जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप, तो कहां पर हो रही है, ये है उलान उड़े। तो उलान उड़े कहां पर है, रशिया के अंदर है। तो हमारी कंट्री की जो मैरी कॉम जी है ये यहां पर एडवांस कर गई क्वार्टर फाइनल के अंदर। तो एक शानदार पर्सनैलिटी इस एज में आकर जो शानदार इनकी परफॉर्मेंस है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन एक देने वाली है यहां पर, कहीं ना कहीं मोटिवेशन डोज आप लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके की एज में आकर भी पर्सन इस तरीके से यहां पर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो काफी बड़ी बात यहां पर है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है पुर्तगाल के बारे में जिसको आप लोग पुर्तगाल बोलते हैं। अपनी कंट्री के साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, हमारी कंट्री होगी यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो ये हो गया पुर्तगाल, स्पेन यहां पर टच करता है। तो पुर्तगाल में अभी यहां पर इलेक्शन हुए, तो नई पर्सनैलिटी जो जीत कर आए हैं तो उनका नाम याद रखते हैं, इनका नाम है यहां पर एंटिनो, तो एंटिनो कोस्टा, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी अभी यहां पर जीत कर आए हैं। इनकी पार्टी को जो वोट मिली यहां पर 36% के करीब मिली है, बाकी अपोजिशन को जो मिली है वो 28% के करीब यहां पर वोट मिली है। तो ये बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज को लाने की बात करें तो देखते हैं कितना अच्छे से यहां पर ये काम कर पाते हैं, वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। बात की जा रही है महाराष्ट्र में 63rd ये धम्म चक्र परिवर्तन, ये एक ऐसा दिन था जिस दिन यहां पर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लगभग 6 लाख लोगों के साथ में बुद्धिज्म को अपना लिया गया था, क्योंकि काफी ज्यादा अत्याचार होते थे अगर बात की जाए तो, इस तरीके से यहां पर इनके द्वारा बुद्धिज्म को अपनाया गया, तो उसको चलते हम लोग यहां पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो नागपुर में यहां पर ये दीक्षा भूमि पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। और हमारी कंट्री में जो आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप लोगों से पूछे तो वो कौन थे, वो भीमराव अंबेडकर जी ही थे। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, तो इन्हीं के द्वारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी आप लोग भीमराव अंबेडकर को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, काफी आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था वर्ल्ड पोस्टल डे के बारे में, तो वो 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए अब नजर डालते हैं यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर, एक एक कर यहाँ पर न्यूज देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सामने। सबसे पहले जो बात की जा रही है टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है, जिसको आप लोग TAP बोल सकते हैं। आखिर किस फील्ड में टेक्निकल असिस्टेंस, तो ये कॉटन की फील्ड में, कॉटन यानी कि जिसको कपास आप लोग बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी के द्वारा अनाउंस किया गया 5 मोर अफ्रीकन कंट्री को टेक्निकल असिस्टेंस देने के लिए सेकंड फेज में। आखिर इससे पहले किसको दिया जा चुका है टेक्निकल असिस्टेंस, तो यहां पर जो टेक्निकल असिस्टेंस दिया गया 6 कंट्री को अब तक दिया जा रहा था, बेनिन, बुर्किना फिसो, चड, मालावी, नाइजीरिया और उगांडा। तो 2012 से लेकर 2018 तक ये 6 कंट्री है जिनको टेक्निकल असिस्टेंस दिया गया है। अभी 5 और कंट्री यहां पर इसमें ऐड कर दी गई है, ये कौन कौन सी है, ये है माली, घाना, टोंगो, जाम्बिया और तंजानिया, ठीक है। तो ये कंट्री यहां पर अभी रिसेंटली 5 ऐड कर दी गई है। तो टोटल कितनी कंट्री होगी जिनको हमारी कंट्री टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है, तो टोटल मिलाकर आज के डेट में 11 अफ्रीकन कंट्री है जिनको हम लोग टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। और कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर ये है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो कि स्मृति ईरानी जी के अंडर में है।
बाकी ये C4 कंट्री जो है बेनिन, ये बुर्किना फिसो, चड, माली, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जो वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया जाता है वो इन्हीं की देन है, इन्हीं के द्वारा यहाँ पर इसको बेसिकली गुहार लगाई गई थी। टेक्निकल असिस्टेंस ये कवर करता है कि किस तरीके से कॉटन प्रोडक्शन के एरिया में हम लोग और ज्यादा अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं और कैसे प्रोडक्टिविटी और ज्यादा हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसी तरीके से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर इससे रिलेटेड सपोर्ट है, एफिशिएंसी कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो इसके फील्ड में ये काम किया जाता है टेक्निकल असिस्टेंस। अगर बात करें असिस्टेंट डेवलपमेंट फील्ड, कैसे क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसी के साथ में कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि ग्राउंड लेवल पर जो क्वालिटी है कॉटन की वो इंप्रूव की जा सके और ज्यादा लोगों को इसके अंदर लाया जा सके, क्योंकि ये काफी बड़ा एरिया है जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट का भी काम करता है अगर आप लोग इसको ढंग से चेक करेंगे तो। ठीक है, तो हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करेंगे, ह्यूज एरिया है जो यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर तेलंगाना की साइड से। सबसे पहले तो आप लोग एक याद रखिएगा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है जिसको बोलते हैं हम लोग मेडिसिन फ्रॉम स्काई। तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर को चेयर किया गया मिलकर, यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हेल्थ, जो यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप है जो हेल्थ केयर के बारे में बात करता है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर बेसिकली फोकस देकर चलता है किसके बारे में, ये मेडिसिन फ्रॉम स्काई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछे इसके बारे में कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई किसका प्रोजेक्ट है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आप लोग बोलते हैं उसका पार्ट इसको माना जाता है। ठीक है, तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई किसका प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रोजेक्ट है। ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी ऐसे एरिया में जहां पर हम लोग डायरेक्ट दवाई नहीं पहुंचा सकते हैं तो वहां पर ये दवाई सप्लाई करने का काम करता है एक तरीके से। जैसे अगर मान लीजिए रोड से जा रही है दवाई, तो हो सकता है वहां पर लेट हो जाए, किसी की जान चली जाए, तो ये ड्रोन की हेल्प से यहां पर ये दवाई प्रोवाइड कराई जाएगी। तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, जो यहां पर ड्रोन के थ्रू ताकि दवाई इसिंसियल दवाई खासकर सप्लाई की जा सके, जिसे ब्लड वगैरह कई बार नहीं मिल पाता है तो इंसान की जान चली जाती है। तो ब्लड और मेडिकल जो सैंपल्स हैं यहां पर वो भी कई बार काफी दूर चेक कराने पड़ते हैं, कई बार हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है पर्टिकुलर एरिया में, तो इसके बेस पर हम लोग खासकर उस दूर दराज वाले एरिया में भी हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं जो कि नक्शे में काफी कोने में नजर आता है। तो इसके चलते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप जो यहां पर हेल्थ नेट ग्लोबल लिमिटेड के साथ मिलकर यहां पर ये काम कर रहा है जो कि ये प्रोजेक्ट है। तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई आप लोग याद रखिएगा, ये ड्रोन डिलीवरी प्रोवाइड कराई जाएगी और इसके चलते यहां पर अच्छे से हम लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा सबमिट किया गया था प्रोजेक्ट यहां पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पास में। क्यों? क्योंकि देखिए जब उड़ाई जाएगी कोई भी वस्तु तो यहां पर सिक्योरिटी के खतरे के लिए भी होता है कई बार, कि हो सकता है कोई ऐसा ड्रोन उड़ रहा हो जो कि कहीं बम्बार्डमेंट कर रहा हो या फिर कुछ और एक्टिविटी कर रहा हो, एक तरह से एनालिसिस कर रहा हो कि कहां पर आगे चल के कोई उल्टी सीधी हरकतें करनी है। तो इसके चलते यहां पर जो हमारी कंट्री में डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उससे सिविल एविएशन यहां पर डिपार्टमेंट है, उससे यहां पर यह परमिशन लेनी पड़ती है, तो तब यहां पर ये परमिशन मिलेगी, तब चीजें आगे बढ़ेंगी। तो कोर एडवांटेज क्या होगा यहां पर, ट्रांसपोर्ट करने में जो टाइम लगता है उसको रोक पाएंगे, इसी के साथ में इंप्रूव कर पाएंगे सप्लाई चेन इफिशियंसी को, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। और हमारी कंट्री कोई पहली नहीं है, यहां पर ऑलरेडी रवांडा में यहां पर ये एज ए पायलट प्रोजेक्ट के बेस पर इंप्लीमेंट किया जा चुका है जो कि काफी हेल्प कर रहा है खासकर ऐसे एरिया में जहां पर नॉर्मली कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, ऐसे दूर दराज के एरिया जहां पर रास्ता भी ढंग से नहीं है, तो वहां पर भी ड्रोन के बेस पर हम लोग काम कर सकते हैं। दो चीजें मुझे काफी अच्छी लगती है, जैसे मान लीजिए एक तो ड्रोन का काम हो गया, अभी पर एक अगर बात करें सोलर एनर्जी, आप लोगों को खंभे लगाने हैं, तार बिछाने, आने जाने की कहीं रास्ता नहीं है, सीधा सीधा क्या करो, सामने वाले की छत पर जाकर प्लेट लग दो, बिजली प्रोड्यूस हो गई, तो आसानी से वो लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट आप लोग उसको बोल सकते हैं, इस तरीके से ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव बोल सकते हैं खासकर हेल्थ के फील्ड में। तो अगर हेल्थ के फील्ड में बात करें टेक्नोलॉजी का यूज, अगर आप लोगों से कहीं लिखने के लिए आए तो आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज कर हम लोग हेल्थ को कैसे इंपावर कर सकते हैं, कैसे हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर ये बात करी है ITEC के बारे में। ITEC तो बेसिकली इसके बारे में क्या क्या बातें की जा रही है, तो एक एक करके यहां पर देख लेते हैं। पहले तो बोलते हैं इसको इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो ये हमारी कंट्री में अभी 55th एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की गई। ये जो सेलिब्रेट की गई किसके अंडर में आता है यहां पर, ITEC प्रोग्राम, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में, जो 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो एक तरीके से जो प्रोग्राम है ये इसेंशियल है, यहां पर बायलेटरल नेचर का है, किस तरीके से हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं अलग अलग रीजन के लिए। तो यहां पर जो प्रोग्राम है ये यहां पर रीजनल और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में यहां पर यूज किया जाता है। जैसे यहां पर अगर बात करें हम लोग, जैसे इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट और UNIDO ग्रुप ऑफ 77, तो इस तरीके से बहुत सारे जो मिलकर यहां पर इसके फील्ड में काम करते हैं। बेसिक कॉम्पोनेंट क्या है, ट्रेनिंग करना सिविल और डिफेंस एविएशन फील्ड, सिविल और डिफेंस फील्ड में। इसी के तरीके से इंडिया की साइड से नॉमिनेट किए जाते हैं लोग पार्टनर कंट्री के साथ में प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सके। प्रोजेक्ट जो रहते हैं बेसिकली रिलेटेड टू रहते हैं कि कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड
करा जा सकती है, कैसे स्टडी कर सकते हैं और कैसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं, यानी कि सारी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट जो है वो करंट अफेयर अच्छा है, ठीक है, आप लोगों का मान लीजिए ज्योग्राफी अच्छा है, तो मैं आप लोगों को बोलूं कि यार मुझे ज्योग्राफी पढ़ा दो, मैं आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ा देता हूं, तो इससे क्या होगा, इससे वो होगा कि जो मेरी एक्सपर्टीज है वो आप लोगों को जानने को मिलेगी, जो आप लोगों की एक्सपर्टीज है वो मुझे जानने को मिलेगी, तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी ये अभी रिसेंटली काफी न्यूज में भी है। इसी के चलते यहां पर देखिए और भी कई सारी चीजें यहां पर दे रखी है जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं कि किस तरीके से डिजास्टर के फील्ड में अगर कोई कंडीशन होती है कैसे एक्सपर्टीज ले सकते हैं, स्टडी कैसे कर सकते हैं, डोनेशन वगैरह, गिफ्ट वगैरह, जहां पर पार्टनर कंट्री के साथ में कैसे काम कर सकते हैं, रिलीफ कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में आता है वो नोडल एजेंसी है जो कि इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है उनको इंप्लीमेंट करता है, हैंडल करता है, ठीक है। तो एक हल्की सी एक न्यूज थी जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया, तो उसके बारे में यहाँ पर आज बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग ये आप लोग बोल सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल स्टार्टिंग में, पर लेकिन आगे चल के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि इनको दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये 1974 में आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है ना। तो इनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक तरीके से बंगाली हमारी कंट्री में एक काफी बड़ा एरिया हुआ करता था, तो इसलिए फर्स्ट गवर्नर जनरल का उपाधि इनको दी गई। स्टार्टिंग में गवर्नर ऑफ बंगाल बोला गया, आगे चल के गवर्नर जनरल बोल दिया गया, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आप लोग इनको बोल सकते हैं। हालांकि इंडिया के लिए बाद में बताऊंगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है, फिलहाल अभी बंगाल के बारे में आप लोग आइडिया रखिए। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनको बोला जाता था, ये 1974 आजादी के बाद में कहां से आ गए ये 1774, ठीक है ना। तो यहां पर ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। इसी के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट था हमारी कंट्री में कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया 1774 में ही। और इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग और याद रखिए, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वो इन्हीं के ड्यूरेशन में आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है 1772 से लेकर यहां पर 1785 तक, तो काफी लंबे समय तक यहां पर इनका टाइम ड्यूरेशन रहा हमारी कंट्री में, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो इन्हीं के बारे में बात की जा रही है, तो ये सारी बातें जो है ये आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों से पूछे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे विलियम बेंटिक, ठीक है, जो 1828 से लेकर 1835 तक हमारी कंट्री में रहे, तो विलियम बेंटिक का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो विलियम बेंटिक जो है हमारी कंट्री में इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, खासकर 1829 में इनके द्वारा अबोलिश किया गया सती प्रथा को, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठगी जो थी, जो ठग नहीं है, आप लोग ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी देखी होगी, तो ठगी प्रथा जो थी एक तरीके से ठगी जो चल रही थी हमारी कंट्री में वो भी इन्हीं के द्वारा सप्रेस की गई 1830 में। तो ये भी एक काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम में। इनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन कोलकाता, और इसी के साथ में यहां पर एस्टेब्लिश किया गया आगरा प्रोविंस 1834 में, ठीक है, एनेक्स किया गया मैसूर, और इसी के साथ में आगे चलकर और भी कई सारे एरिया इनके द्वारा एनेक्स किए गए। तो ये सारे जो रीजन थे पर्टिकुलर इन्हीं के द्वारा टाइम टू टाइम कंट्रोल किए गए। अगर बात करें शारदा एक्ट जो कि स्टॉप चाइल्ड मैरिज, ये 1830 में इन्हीं के ड्यूरेशन में देखने को मिला। तो ये था हिस्ट्री का आप लोगों का छोटा सा पोर्शन, अब आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं, इसके बाद में आप लोगों को क्विज होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड गर्ल ये हम लोगों ने देखा, इसके बारे में डिटेल में समझा, थीम क्या है वो भी जानी। नेक्स्ट हमारे वर्ल्ड ओबेसिटी डे के बारे में जाना और बच्चों के ऊपर फोकस दिया गया आपकी बार वो समझा, ये क्विज था, इसके आंसर अच्छे से आप लोगों के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट हम लोगों ने आर्कटिक रीजन की कैसे स्टडी करनी है उसके बारे में समझा, इसी के साथ में इंडिया और मेक्सिको के रिलेशन के बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने बैम्बो यानी कि बांस के जो दो प्रजाति उसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने सीएसआर के द्वारा जो यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया जाता है वो जाना। इसी के साथ में हमारी क्या पोजीशन है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में वो हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट जो थी यहाँ पर मैरी कॉम जी है यहाँ पर, ये हम लोगों ने जाना कि वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है, ये सारी चीजें देखी। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये है पुर्तगाल में नए लीडर चुनकर आ गए हैं इलेक्शन के बाद में, ये जाना। इसी के साथ में बुद्धिज्म से रिलेटेड ये कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज थी यहाँ पर, ये जो न्यूज थी यहाँ पर ITEC के बारे में थी, तो ये समझा डिटेल में हम लोगों ने। इसके साथ में टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है इंडिया की साइड से अफ्रीकन कंट्री को, वो हम लोगों ने जाना डिटेल में। ड्रोन का यूज किया जा रहा है किस तरीके से और यहां पर किसका ये प्रोजेक्ट है, तो ये हम लोगों ने डिटेल में समझा जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर दो गवर्नर जनरल के बारे में जाना, एक तो वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया और दूसरा आप लोगों को बताइए कौन सा। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं हिस्ट्री के ही आज। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों को यह बताना है कि जो दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये कहां से स्टार्ट किया गया था। आप लोगों को पता है 150वीं बर्थ एनिवर्सरी गांधी जी की सेलिब्रेट की जा रही है, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है पहला क्वेश्चन। इसी के साथ में डेहली पैक्ट को आप लोग गांधी और एक पर्सनैलिटी डैश 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 इस पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो पर्सनैलिटी कौन थी, यानी कि डेहली पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, जिसमें जो यहां पर सब पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ने की बात की गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अलावा, तो उसी को डेहली पैक्ट आप लोग बोलते हैं। तो ये डेहली पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जो सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट है
वो गांधी जी के द्वारा यहां पर कब स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो गांधी जी के द्वारा अटेंड की गई थी, तो ये क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आज आप लोगों को देना है, तो ये आप लोग हिस्ट्री क्वेश्चन हो गए, वो भी गांधी जी के फोकस में रखते हुए। आइए अब आगे चलते हैं। तो ये आज का क्विज जो कि आप लोग अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के बारे में, तो यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, हम लोगों ने देख लिया 11 अक्टूबर को। आप लोगों को थीम कंप्लीट करनी है कि इसकी थीम क्या है। वर्ल्ड ओबेसिटी जो डे है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, यहां पर अभी फिफ्थ राउंड, यहां पर अभी फिफ्थ राउंड ये फॉरेन ऑफिस कंसल्टेंसी अभी देखने को मिली, कंसल्टेंसी किस किसके बीच में, ये इंडिया और मेक्सिको के बीच में, तो कहां पर हुआ ये बेसिकली ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है MOSAIC, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग बताइए। यहां पर 1987 में जो बात की जा रही है, यहां पर एक अवार्ड के बारे में जो इंट्रोड्यूस किया गया हमारी कंट्री में, तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CSIR, तो फुल फॉर्म आप लोगों को इसकी बतानी है। इंडिया के बारे में बात की जाए तो 10th पोजीशन डाउन चला गया, कितनी रैंक होगी यहां पर ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में, जो कि यहां पर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये धम्म चक्र परिवर्तन दिन के बारे में, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, किस पर्टिकुलर एरिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतना टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मॉर्निंग में एग्जैक्ट 4 AM मिलूंगा, तो जिस जिसको उठना है मेरे साथ उठकर अपने दिन की शुरुआत शानदार तरीके से आप लोग कर सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट 4 AM आप लोगों को वीडियो देखने को मिलती है। तो इतना आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए और खुद भी पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए, ठीक है ना। तो जब भी टाइम हो आप लोगों के पास में, तो हर एक इंसान, एक एक इंसान को तो कम से कम पढ़ाई सकता है, जब भी आप लोगों को वीक में भी टाइम मिले। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक एंजॉय कीजिए, और PDF वगैरह आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे सारे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।